तीसरे चरण के मतदान के बाद पिक्चर बिल्कुल साफ हो गई है। 4 जून को ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी ना नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आज नरेंद्र मोदी ने अपनी परछाई पर ही हमला बोल दिया। जी हाँ, वही अडानी जो उनकी आंखों की पुतली है, उनके जिगर का टुकड़ा है, उनकी परछाई है, उस अडानी और अंबानी पर नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि ये दोनों लोग भर भर के बोरों में और टेम्पो में काला धन बांटते हैं। असलियत यह है कि अपनी हार की बौखलाहट के चलते मोदी जी हमलावर हो गए हैं अपने ही मित्रों पर, उन मित्रों पर जिन्होंने जिनको 10 साल इन्होंने खूब कमवाया, जिनको नंबर 2 पर पहुंचाया सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में, वो दोस्त जिनके हवाई जहाजों में चलते थे, जिनको धंधा पानी दिलाते थे, जिनके लिए नीति निर्माण करते थे। तो एक बात माननी पड़ेगी, राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए। लेकिन जब अब आपने अडानी और अंबानी पर इतने गंभीर आरोप लगा ही लिए हैं काला धन बांटने के, टेम्पो में बोरों में भरकर, तो उनके यहां सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की रेडे कब होंगी मोदी जी? ये देश जानता है कि आप ही के चहेते हैं वो, आप ही के जिगर के टुकड़े हैं, आप ही की आंखों की पुतली है, आप ही की परछाई है, वो परछाई जिससे अब आप खबर